हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर पर किसी तरह का कोई टूल नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि आप एसी की गैस चाहिए, आपके एसी में कम तो नहीं होगी ये, तो उसको कैसे चेक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगा कि कैसे आप एसी की गैस खुद चेक कर सकते हैं। अगर आपको एसी में कूलिंग नहीं हो रही और आपको डाउट हो रहा है या एसी की गैस कहीं कम तो नहीं होगी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टूल्स की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। आप खुद चेक कीजिए कैसे एसी की गैस को हम चेक कर सकते हैं कि कहीं कूलिंग कम होने की वजह गैस तो नहीं है। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद चेक कर सकते हैं, ताकि आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके एसी में कोई प्रॉब्लम आती है, कूलिंग की प्रॉब्लम आती है, कम से कम आपको पता होना चाहिए कहीं एसी की गैस तो कम नहीं हो गई है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम चेक करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्प्लिट एसी है। एसी किसी भी कंपनी का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तरीका सिर्फ एक ही होता है। गाड़ी कार आप किसी भी कंपनी की ले लो, चलाना तो एक ही तरीके से होता है ना, उसी तरह से एसी किसी भी कंपनी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एसी के अंदर गैस कैसे चेक करनी है, वो सेम मेथड होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दो पाइप है, एक ये पाइप मोटा पाइप है और एक ये पतला पाइप है। ये मोटा वाला पाइप है, ये पतला वाला पाइप है। ये दोनों पाइप कहाँ से आते हैं, ये इंडोर से आउटडोर तक आते हैं, और जो गैस घूमती है वो इन्हीं पाइपों के थ्रू ही सर्कुलेट होती है। अब ये जो मोटा पाइप है, ये जो मोटा पाइप है और ये छोटा पतला पाइप है, इसमें फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आके एसी में कूलिंग होनी बंद हो गई है, कम हो गई है, बंद नहीं हुई, थोड़ी कम हुई है या बंद हुई है, जो भी एक्सपायर्ड, तो आप अगर गैस चेक करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। आपने करना क्या है, ये जो दो पाइप होते हैं, ये जो मोटे वाला पाइप है, इस पाइप को ऐसे आपने पकड़ना है, इसमें किसी तरह का कोई करंट नहीं होता, इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये वाला पाइप जो होता है वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। जब आके एसी के अंदर गैस है तो बिल्कुल चिल्ड होता है ये वाला पाइप, और ये वाला पाइप जो होता है पतले वाला, ये होता है नॉर्मल, ना चिल्ड होता है ना गर्म होता है, ठीक ठाक होता है, ना ठंडा लगेगा ना गर्म लगेगा, नॉर्मल पाइप लगेगा आपको, हल्का हल्का ठंडा लगेगा, मतलब ज़्यादा चिल्ड नहीं होगा, गर्म भी नहीं होगा, हल्का हल्का ठंडा लगेगा, बिल्कुल थोड़ा सा। उस कंडीशन में अगर ये मोटा वाला पाइप बिल्कुल चिल्ड है तो इसका मतलब आके एसी के अंदर गैस पूरी है, कोई और फॉल्ट है जिसकी वजह से एसी में थोड़ी कूलिंग होनी कम हो गई है। अगर आके एसी के अंदर जब आप ये पाइप चेक करेंगे, तो ये जो छोटे वाला पाइप है ये बहुत ज़्यादा चिल्ड है और ये नॉर्मल हो चुका है। छोटे वाला पतले वाला पाइप जो है वो बहुत ज़्यादा चिल्ड है, और ये जो मोटे वाला पाइप है ये नॉर्मल हो चुका है, ये चिल्ड नहीं है, तो इसका मतलब गैस लीकेज है, उसके अंदर गैस लीकेज ही हुई है, उसके अंदर गैस कम हुई है, गैस पूरी नहीं निकली, गैस कम हुई है। अब कहाँ से हुई है वो आप मैकेनिक को बुला के चेक करवा सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और बता दूँ मैं आपको, अगर मान लो आप पाइप चेक नहीं कर सकते, मान लीजिए आप पाइप चेक नहीं कर सकते, तो आपको मैं एक दूसरा मेथड बताता हूँ जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके एसी के अंदर गैस है या नहीं है। ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, इसमें फ़ैन लगा होता है, फ़ैन घूमता है इसमें। अब ये फ़ैन जब घूमता है तो इसके नीचे जितनी ठंडी हवा आती है उससे ज़्यादा ये गर्म हवा यहाँ फेंकता है। अब आप क्या करो, अगर आप पाइप चेक नहीं कर सकते हो, तो आपने करना क्या है, आपने इस फैन के आगे ऐसे हाथ लगाना है, जो हवा आ रही है वो गर्म होनी चाहिए। अगर गर्म है और बहुत कई बार बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो भी कोई और फॉल्ट हो सकता है, लेकिन गैस पूरी है ये इंडिकेशन है। अगर ये पंखा पूरी की पूरी हवा को गर्म फेंक रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म फेंक रहा है, या गर्म फेंक रहा है या बहुत ज़्यादा गर्म फेंक रहा है, इसका मतलब गैस पूरी है, कोई और फॉल्ट हो सकता है, फिर आपके एसी में गैस की प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं एसी के अंदर गैस है या नहीं है। बहुत सिंपल मेथड है, नॉर्मल चीज़ है, ये सिखाने का मतलब ये है, आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, ताकि कभी भी प्रॉब्लम आए,
छोटी मोटी नॉलेज होगी आपको इन चीज़ों, बेसिक एक्चुअली बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको खुद को नॉलेज होगी तो मैकेनिक के साथ अगर आप खड़े हो तो कम से कम आप भी खुद चेक कर सकते हो कि एसी के अंदर कोई वही फॉल्ट है, कोई और फॉल्ट तो नहीं है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।